ये देखिए, ये किले का मेन दरवाजा है। देखिए, ये इस तरीके से बनाया गया है कि चारों तरफ से जो है इलाके पर नजर रखी जाए। कितना गहराई है यहाँ से, ओ बाप रे बाप, गिरेंगे तो या तो आईसीयू या तो मौत पक्की। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं हूं नेवलॉग चेक, और फिर से आज आपके सामने नेवलॉग लेके आ रहा हूं। आज हम लोग जा रहे देवघाट की तरफ। आप लोग ने बोला था मेरी वीडियो बहुत लंबे लंबे हो रहे, 40 मिनट की हो रहे, 40 मिनट का नहीं बनाना है मेरे को, छोटा ब्लॉग बनाना है। इस वजह से मैं वीडियो में कम बोलूंगा, लेकिन कम में भी आपको बहुत स्पीड में बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग जा रहे देवघाट। देवघाट जाने के मैं आपको बताऊंगा कि उधर नेचर कैसा है, नेचर के साथ साथ आपको बताऊंगा कि वहाँ जाने के लायक जगह है कि नहीं। इस सेप्टेंबर में तो सेप्टेंबर नहीं, अक्टूबर का स्टार्ट हो चुका है अभी, तो आपको बताऊंगा कि वहाँ जाने लायक जगह है कि नहीं। तो स्टे ट्यून्ड इन दिस माय वीडियो, मैं आपको बताऊंगा कि हमको वहाँ का देवघाट का नजारा कैसा लगा। तो फिर चलिए, वेलकम टू द चैनल ऑफ ऐनुल हक शेख, जो है लाखों में एक। जिंदगी कर देगी हम कंटेंट क्रिएशन के नाम, लेकिन उससे पहले फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। आधा घंटा दानवों की तरह खाने और पीने के बाद हम लोग निकले देवघाट की तरफ। रास्ते इतने खाली थे जैसे शाकिर भाई का दिमाग, गाड़ी की स्पीड इतनी धीमी थी जैसे शाह आलम की बातें, बादल इतने खूबसूरत थे जैसे ऐनुल हक का चेहरा, रास्ते की हरियाली इतनी रंगीन थी जैसे ऐनुल हक की जिंदगी। और इसी हरियाली और खूबसूरती को देखते हुए हम अपनी मंजिल को पहुंच गए। दोस्तों अभी हम पहुंच गए देवघाट। देवघाट का नजारा देखे, नजारे बहुत प्यारे लग रहे थे। यहाँ पर पूरे हरे हरे पहाड़े, पहाड़ों पे हरियाली घास और हरे हरे पेड़, वहाँ पर देखा तो मतलब तालाब दिख रहा था। तालाब के पार एक गांव है, गांव का नाम है वड़की। वड़की गांव से आपने को होके वो तालाब की तरफ जाना पड़ता है। अगर आप कहीं प्लान कर रहे हो तालाब घूमने का, तो आपको वड़की गांव के अंदर से घुस के यहाँ पर तालाब के पास आना पड़ेगा। अभी फिलहाल को तालाब पूरा सूख चुका है, बारिश कम हुई है। बारिश अगर जोर से होती तो पूरा तालाब भर जाता है। लेकिन आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हैं, कितना हरा भरा और कितना खूबसूरत लग रहा है। बादल इतने प्यारे प्यारे बादल, मुझे सूरज पूरा छुप चुका है और यहाँ पर काले काले बादल में सफेद सफेद बादल मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पर नजारा काफी खूबसूरत है। आगे भी बने रहिए, मैं आपको और आगे आगे अच्छे अच्छे नजारे बताता रहूंगा। और हम भी आप यहाँ पे जो टेकड़ी पर जाने वाले, टेकड़ी पर जाने के बाद हम क्या नजारे देखने मिलते हैं, वो भी देखने के लिए हमारे वीडियो में बने रहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो, चैनल पर नए हो तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वहां पर जो है सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। तो चलते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक इवनिंग राइड या मॉर्निंग राइड चाहिए नजदीकी लोकेशन फ्रॉम उंदरी, हंडेवाड़ी और कोंडवा, तो आप ये स्पॉट को कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आपको फुर्सत निकाल कर आना पड़ेगा यहाँ पर। देख, पिछले 10 मिनट से मेरी पीठ खुजा रही, मगर मैं नहीं खुजा रहा, कहीं को पूछ। अरे खुजाने की भी फुर्सत नहीं है रे मेरे पास। तो इन माई ऑनेस्ट ओपिनियन, बोबदेव घाट देवघाट से ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि वहां पर आपको सनराइज सनसेट दोनों देखने मिल जाता है। सामने जो मेरे आप बादल देख रहे हैं, बादल के पीछे से सनराइज निकल रही है, तो इससे समझ में आ रहा है कि सनसेट इस तरफ होगा, सामने की तरफ। लेकिन पहाड़ों की वजह से मुझे वो सनसेट अच्छे से देखने नहीं मिलेगा, तो इस वजह से मैं बोबदेव घाट को ज्यादा प्रीफर करता हूं अगर आपको नजारे देखने हो तो। लेकिन अगर आपने बोबदेव घाट का मेरा सनराइज का ब्लॉग नहीं देखा है तो टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन मैंने मेंशन कर दिया, जरूर देखे। देवघाट को एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा टेकड़ी पर जाए, पर दिमाग में ख्याल आया कि नहीं, टेकड़ी नहीं, हाईवे की तरफ रुख करते हैं। हाईवे से हम आगे बढ़े और लेफ्ट की तरफ एक रास्ता जा रहा था एक गांव की तरफ, तो हमने सोचा कि गांव एक्सप्लोर करेंगे। गांव का नाम है झंडेवाड़ी। हम गांव में एंटर कर गए, फिर हमने देखा कि गांव काफी ज्यादा खूबसूरत है, आजू बाजू पूरी हरियाली है, सुकून लग रहा है पूरा गांव में। और आप देख रहे हो कितना हरा भरा प्लांटेशन है यहाँ पर, पूरा सीताफल के पेड़ लगाए गए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा था देखने के लिए। थोड़ा हम आगे बढ़े, हमने सोचा गांव को और एक्सप्लोर करेंगे, तो हमको पता चला कि यहाँ पर एक मराठा हिस्ट्री का किला है। किले का नाम है सोनोरी किला, जिसको मल्हारगढ़ नाम से भी जाना जाता है। मेरे सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो उस पर आपको एक किला नजर आ जाएगा। हम उसी पहाड़ की तरफ बढ़ रहे, तो बढ़ते बढ़ते रास्ते में हमको इतना सुकून लग रहा था कि कहते ना, रास्ते मंजिल से ज्यादा कभी कभी खूबसूरत होते हैं। देखो बुड्ढा खुशी से अभी से पागल हो गए। तो हम आगे बढ़ रहे, हमको किला जो है यहाँ से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर था, नजारे काफी अच्छे लग रहे थे और किले पर जाने की एक एक्साइटमेंट थी हमारे अंदर कि किले से गांव और उसके इर्द गिर्द का नजारा कैसा लगेगा। तो हमने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई, हमने सोचा कि मौसम अच्छा है, नजारे अच्छे है, गांव अच्छा है, तो हमने सोचा कि थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग के स्टाइल में एक वीडियो बना जाए। तो ये पेश करता हूं मैं बुड्ढे का मोटो ब्लॉगिंग। बुड्ढा जाए काफी शाइन मार रहा है, देखो
छोड़ेगा होन तुनो उजुमा की नारुतो। तो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है मराठा हिस्ट्री का एक अद्भुत नजारा। इसका नाम है मल्हारगढ़, इसको सोनोरी किला के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है आपको झंडेवाड़ी नाम के गांव से होके गुजर के आना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा नजारा मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे, देखिए पूरे पहाड़ है, पहाड़ों के बीच में पूरे खेत है और बहुत ही प्यारे प्यारे खेत है। यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, सीताफल के खेत लगाए गए हैं, पेरू के कुछ फार्मिंग की गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उस तरफ देखेंगे तो उस तरफ का नजारा भी बहुत अच्छा है। ये शालम भाई हमारे सामने खड़े हैं, हर बाजू ये भाई हमारे सामने खड़े हैं, लेकिन ये देखिए ये पूरा पहाड़ है। और उस तरफ का मैं आपको नजारा बता जाऊंगा। शाकिर भाई थोड़ा जूम कर दीजिए। शाकिर भाई का बहुत बहुत शुक्रिया कि भाई ने यहाँ पर इस व्लॉग को पूरा रिकॉर्ड किया है। ये देखिए बादल का फॉर्मेशन देखिए, ऐसा लग रहा है वो बादल पूरा जमीन पर उतर आया है। ये आप राइट साइड में देख रहे होंगे थोड़ा स्क्रीन के, बादल पूरा जमीन पर उतर आया ऐसा लग रहा है। वो पहाड़ जो है बादल के पीछे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इतना खूबसूरत नजारा लग रहा है मेरे सामने। तो बैक टू मी, शाकिर भाई कैमरा मेरी तरफ कीजिए। तो अभी फिलहाल मैं आपको ले चलूंगा ऊपर मल्हारगढ़ की तरफ और हम एक्सप्लोर करेंगे ऊपर क्या है। लेकिन यहाँ आने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। ये देखिए सासवड़ और ये जो एरिया है दीवेघाट और जेजुरी, ये सब जगहों के इर्द गिर्द तेंदुए यानी कि बिपटिया मराठी में बोलते हैं, लेपर्ड, ये काफी नजर आते हैं। तो आप लोग कभी यहाँ पे आने का प्लान करेंगे तो प्लीज अकेले बिल्कुल ना आए, चार पांच लोगों का ग्रुप बना कर आए। अकेले आने का रिस्क ये है कि अगर खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि आप पर कोई जंगली जानवर हमला करता तो बचाव में आपके साथ कुछ लोग रहेंगे, अकेले आने पे ये रिस्क होता है। हम लोग यहाँ पे तीन लोगों साथ में आए हुए, वो भी हम लोग फुल प्रिकॉशन ले रहे। तो आप लोग जब आएंगे तो प्लीज अकेले ना आए, और हाँ आएंगे तो इस जगह को गंदा ना करें प्लीज। हिस्टोरिकल रेफरेंस है और गाँव की इज्जत करे, गाँव के जो है प्रॉपर्टी की इज्जत करें। अब चलिए आगे, मेरा भाषण बहुत हो गया। आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, रास्ते के राइट साइड में सिर्फ दूर तक मुझे खेत ही खेत नजर आ रहे हैं। ये गांव जो है ये चारों तरफ से पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है और काफी ज्यादा खूबसूरत नजारा है। जैसे कि बीच में पूरे खेत है, चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों पर पूरी झाड़ियां और घास है, पेड़ है। काफी बेहतरीन लग रहा है यहाँ पर मुझे इस नजारे को देखते हुए। आंखों को इससे ज्यादा बेहतरीन चीज मिल जाए बारिश के मौसम में, और क्या चाहिए। थके हुए हारे हुए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इतना अच्छा किला है भाई, यहाँ पे कैसा रहेगा मन, क्या ये पत्थर रहेंगे और पत्थर के अंदर पूरी सीढ़ियाँ रहेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो। हाँ देखो ना, यहाँ से कैसे जाएंगे देखिए, बोल तुम लोग शाने हैं हर सिचुएशन में, ऐसी मेरे को आगे करते हैं। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अरे माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त किला है। देखो सामने कुछ तो मंदिर है, क्या कुछ तो है, मंदिर है वो। हाँ मंदिर है, मंदिर है वो पिलर है। देखो भाई, मैं इधर भी कचरा फेंके ला यार, ऐसा मत करो प्लीज। भाई लोग आप आ रहे हो हिस्टोरिकल रेफरेंस पर, अगर महाराष्ट्र के वहां पर जो है आप लोग ऐसे गंदगी ना करें,
ये देखिए, ये पूरा हिस्टोरिकल जगह है, लोगों ने प्लास्टिक बॉटल्स फेंके हुए हैं। हम लोग अगर हमारी हिस्ट्री की इज्जत नहीं करेगा तो कौन करेगा। चलो इधर का देखते हैं नजारा। क्या दिख रहा है भाई, यहाँ से दिख रही है भाई, वर्थ इट है भाई, वर्थ इट। वो देखो वहां पर बकरिया चरा रहा हूँ रेवड़। भाई की याद आ गई भाई, अपने सहाबा लोग भी ऐसे ही करते होंगे ना, बोलते कि जब कभी तुम पहाड़ पे रहो ना, ऐसा नमाज पढ़ने का वक्त है तो अजान दे दिया करो। मल्हारगढ़ किले का कंस्ट्रक्शन 1757 से 1760 के बीच हुआ था और 1775 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। यह किला भीमराव यशवंत और कृष्णाजी माधवराव पांसे, जो कि पेशवा सरदार थे, उनके ऑर्डर्स पर बनाया गया था और उन्होंने बनाया था। इसे बनाया गया था दिवेघाट और पुणे से सासवड़ रूट पर नजर रखने के लिए, जो कि उस वक्त का एक फेमस ट्रेडिंग रूट जाना जाता था। यह किला मराठा साम्राज्य के रूल में बनाया हुआ आखिरी किला है, इसके बाद कोई किले बनाए नहीं गए। पुरंदर की बात अलग है, इधर की बात अलग है, लेकिन एज कम्पेयर टू पुरंदर, पुरंदर भाई आगे निकल गया इसके मामले। पुरंदर पे कैसा है, वो नामचीन है भाई। ये देखो यहाँ पे झाड़ वाड़ लगाया गया, 15 अगस्त के टाइम पे उतरेंगे इसे। आराम से भी जाएंगे, अच्छा खासा वीडियो ये लंबा बनेगा लगता है। चल तो कभी भी आप कोई किले पर जाते हैं तो कुछ किले की दीवारों पर ऐसे जो है वेंट्स नजर आते हैं, तो ये वेंट्स खासकर किस लिए होते थे, यहाँ से लोग नजर रखते थे कोई दुश्मन की सेना आ रही है कि नहीं, दुश्मन की फौज आ रही है कि नहीं। यहाँ से दिखा कि सीधा यहाँ से तीर बरसाते थे यहाँ से, और इनका स्लोप भी है, ये देखो ना स्लोप, यहाँ से स्लोप तक नीचे का नजारा देखना। हाँ यहाँ से देखिए, यहाँ से स्लोप देखिए, एक स्लोप वाला आर्किटेक्चर भी दिया है। सोके यहाँ पे सोके से एक पहरेदार सोके हिफाजत करेगा। यहाँ का नजारा देखेंगे, चलिए ये छोटे छोटे यहाँ पर मुझे गेट्स नजर आ रहे हैं दो दो। देखिए ये इस तरीके से बनाया गया है कि चारों तरफ से जो है इलाके पर नजर रखी जाए। गहराई है यहाँ से, ओ बाप रे बाप, सीधा यहाँ से 5 तीसरे फ्लोर की जितनी गहराई है, बहुत ही संभल संभल कर आए यहाँ पर, आके मस्ती वस्ती ना करे, बचपना ना करे बिल्कुल, ये जान की हिफाजत आपके हाथों में होती है। देखिए पूरा कितना गहरा है, यहाँ से गिरेंगे तो या तो ICU या तो मौत पक्की। चलिए आगे बढ़ते, ICU या तो मौत पक्की। बादल भी देखे एकदम कॉटन की तरह लग रहा है। सामने बहुत एक बड़ी बावड़ी नजर आ रही है मुझे, ये तो बारिश हुई इस वजह से पानी है, अच्छी खासी बावड़ी है ये। ये देखिए यहाँ से सीढ़ी भी है आने को, काफी खूबसूरत भाई, काफी खूबसूरत। ये होती है हिस्ट्री, हिस्टोरिकल प्लेसेस पर विजिट जरूर करें। चलो वहां से कहां से रास्ता है, चलो शालम आओ आगे। शालम ने बोला था मुझे अपने ब्लॉग में जरूर रहना, तो 2 मिनट का इनका स्पेशल अपीयरेंस जरूर बताएंगे हम। सच कहो जिंदगी में 2 बार खुश हुआ हूं, एक दिन जब देश को आजादी मिली थी और एक दिन आज। अंदर एक और रास्ता नजर आ रहा है, यहाँ पे बुड्ढा खड़ा है। ओहो हो क्या नजारा लग रहा है भाई, यहाँ से काफी बड़ा किला है ये। ये देखिए यहाँ पर जो है ये शायद मंदिर है,
काफी पुराना मंदिर लग रहा है ये, 400-500 साल पुराना या उससे भी ज्यादा होगा, मुझे विकिपीडिया पर एक बार देखना होगा इसके बारे में। संभाल संभाल कर आया इस एरिया में, शोर शराबा बिल्कुल भी ना करे। गिर गए थे उधर कहाँ पे? लाड़के पे। खंडोबा मंदिर, ये काफी पुराना मंदिर है। वहां पर देखिए कंस्ट्रक्शन, देखिए पूरा पत्थर का बना हुआ है ये, बहुत ही जो है देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। एंशिएंट हिस्ट्री जो होती है ना, हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री तो वो हो गई जो कि एकदम जहाँ से हुकूमत शुरू हुई थी इंडिया में, लेकिन ये थोड़ा मिडिवल हिस्ट्री का पार्ट है। मिडिवल हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा जो है तारीफ के काबिल है। अब ये मंदिर देखिए मेरे सामने, पूरा पत्थरों से बना हुआ है और मेरे ऊपर बारिश के बादल आ चुके हैं अभी फिलहाल। ये मंदिर का नाम है महादेव मंदिर। सलाम, साथ साथ मेरा उधर जाएंगे उधर। ये पूरा पत्थर का बना हुआ है। इसमें सिर्फ नई चीज शटर नजर आ रही है, सिर्फ जो नई चीज है वो ये लोहे का शटर नजर आ रहा है, वो भी इस वजह से कि पुराने जो वैल्यूएबल चीज़ ना, लेकिन एक हिस्ट्री जो है इसे बचा के रख सके जो है, इस वजह से पूरा कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है ये, काफ़ी पुराना है। यहाँ से आगे बढ़ते चलो, वहाँ का दिखाएंगे अभी। चालू है ना? हाँ। क्या आप लोगों ने दिवाली की छुट्टियों में कभी किला बनाए हैं घर में मिट्टी का? नहीं। हम लोगों ने बनाया है। तो कौन सा तीर मारा, ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर? तो दोस्तों अगर इसी तरह आप लोग जो है पुणे की कुछ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो राइट साइड में मैंने अपनी एक प्लेलिस्ट मेंशन करी है स्क्रीन के टॉप राइट साइड में, उसको आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट मेंशन कर दी है, वो लिंक पर जाए और वहां से जो है मेरे क्या बोलते हैं उसको सैर सपाटे की वीडियो जरूर देखें। ओ भाई 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 भाई, ये देखो सामने का व्यू जबरदस्त। ये है जगह भैया, ये देखिए ये किले का मेन दरवाजा है, लेकिन अभी एंट्रेंस आपको चोर दरवाजे से है। पता नहीं किले का मेन एंट्रेंस बंद क्यों किया गया है। वाओ, हाँ ये है नेचर की ब्यूटी और साथ में हिस्टोरिकल रेफरेंस। ये देखिए मैं सिर्फ आपको सावधानी के साथ बता रहा हूँ, ये देखिए कितना गहरा है। तो जैसे कि आप ये देखिए बाहर से कंस्ट्रक्शन देखिए आप इसका, अब यहाँ पर हम लोग खड़े हैं गेट से बाहर निकल के, इसी वजह से शायद इस गेट का मेन गेट बंद किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सीधा एक खाई है जो कि आराम से आपको तीन फ्लोर ऊंची जितनी खाई होगी वो आराम से आपको नीचे पहुँचा देगी विद इन 3 सेकेंड्स। तो संभल कर आए। हमारे सामने जो नज़ारा था वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। इस पहाड़ के नीचे एक गांव था और उसके इर्द गिर्द बहुत ही खूबसूरत खेत और दूर तक का नज़ारा सिर्फ और सिर्फ हरियाली। देखकर दिल बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, ऐसा लग रहा था देर तक वही बैठकर नज़ारे देखते रहे। ये किला 248 साल पुराना होने के बावजूद भी शानदार नजर आ रहा है। इसका एक क्रेडिट हमारे महाराष्ट्र के उन लोगों को जाता है जिन्होंने अपने हिस्ट्री की वैल्यू की और किले पर आकर
उसे खराब नहीं किया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस देखे गए हैं जहां पर लोग किले पर घूमने तो जरूर जाते हैं लेकिन वहां पर जाके शराब की बोतलें खोलकर बैठ जाते हैं। ऐसा करने वालों के साथ किले के इर्द गिर्द गांव वाले जो रहते हैं उन्होंने सख्त कार्रवाई की है और उनकी कार्रवाई जो है हाथ से शुरू होती है, बात से नहीं। तो अगर आप आपकी सेफ्टी चाहते हैं तो किले पर ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, किले की इज्जत करें, हिस्ट्री की इज्जत करें, हिस्टोरिकल प्लेसेस की इज्जत करें और मर्यादा में रहे। ये वाला लिए तुमने? लिया लेकिन एक और बार ले लो तुम अच्छा लेते हो। पूरा कोहरा है भाई सामने, क्या माशाल्लाह खूबसूरती है यार। सही में ये दीवार छोटे हो गए, सही में साल में एक बार गोवा गए करने गए लेकिन महीने में एक बार इधर आएंगे, क्या बोलते शाकिर भाई? बहुत अच्छी जगह है भाई। अब हम यहाँ बैठकर नजारों की खूबसूरती को निहार ही रहे थे कि अचानक से शाकिर भाई ने कहा कि अनुल हमको सामने की जमीन पर 5-5 एकड़ जरूर खरीदना चाहिए। थोड़ी देर के लिए तो मैं खुश हुआ, फिर मैंने उनको जवाब दिया क्या बे महीने के एंड में राशन खरीदने के वादे हो जा रहे, तुम 5 एकड़ जमीन खरीदने के लिए पैसे कहाँ से पैदा करोगे। थोड़ी देर के बाद हम दोनों को अपनी अपनी औकात याद आ गई और हम दोनों फिर से अपनी फालतूगिरी की बातों में मशगूल हो गए। उसके बाद हमने ये सोचा कि सामने की जगह पर अगर हम नारियल का पेड़ उगाते हैं तो उस पर आम कौन से कलर के आएंगे, ये हमको कमेंट में आप लिखकर जरूर बताएं। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारी फालतूगिरी और बढ़ती गई और हम दूसरे स्पॉट्स की तरफ आगे बढ़े। मेरी शक्को इतना पास पे मत जाओ। दिन शाकिर भाई की उम्र की तरह जल्दी जल्दी ढल रहा था और शाह आलम बच्चों की तरह घर जाने के लिए मचल रहा था। अचानक मैंने सामने देखा कि कुछ सीढ़ियां है जो कि नीचे की तरफ जा रही है, बिल्कुल मेरे करियर की तरह। तो मैंने सोचा कि नीचे जाता हूँ, मेरी गैरत ढूंढ के लाता हूँ और उसको अपने जेब में भर के अपने घर ले जाता हूँ। लेकिन नहीं, गैरत को मुझे प्रायोरिटी देना ही नहीं था, मुझे उस वक्त प्रायोरिटी देना था नेचर के व्यूज़ को। तो मैं देखने चला गया नेचर के व्यूज़ जो कि कर रहे थे मुझे अम्यूज़। जाते जाते मैंने देखा कि जो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही है वो एक एग्जिट पॉइंट को कनेक्ट करती है, किले का एग्जिट पॉइंट था ये। और किले का जो एग्जिट पॉइंट था यहाँ से आपको पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता मिल जाएगा, तो यहाँ से लेकिन जाना सेफ नहीं है क्योंकि जहाँ से आओ आप वहीं से जाओ, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता अपनाना सेफ नहीं होगा। और दूसरी बात यह कि देखो बाबा, तुम्हारी जिंदगी भले कितनी भी बेरंग हो लेकिन जहाँ तुमको हरियाली देखने का मौका मिले वो मौका कभी मत छोड़ो, क्योंकि ये हरियाली जो तुम देखते हो वो तुम्हारे दिमाग को करती है रिफ्रेश, एंजाइटी हटाती है और तुमको टेंशन फ्री करती है। अचानक शाह आलम ने एक ऐसी शायरी मारी, नजारा देखे कि 2 कदम पीछे लिया मैंने यहाँ से छलांग लगाने को, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना शाह आलम को ही यहाँ से फेंक दिया जाए नीचे ताकि ऐसी भंगार शायरी किसी और को ना सुननी पड़े। लेकिन दोस्ती का रख लिया मान और बख्श दी उस दिन मैंने उसकी जान। अब यहाँ पर मैं नज़ारा देखने में फुल कॉन्सेंट्रेट कर रहा था और यहाँ पर नज़ारे देखते देखते मुझे याद आया कि मेरा अंदर का डायरेक्टर चीख मार रहा है एक सिनेमैटिक शॉट लेने को। तो ये मैंने एक सिनेमैटिक शॉट ले लिया। अब पता नहीं इसको सिनेमैटिक शॉट बोलते हैं क्या बोलते हैं, कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि इस तरह के कैमरा एंगल को क्या कहते हैं। बला अब चलते हैं हम फिर से किले की तरफ। जैसे कि हर जगह के कुछ किस्से और कहानी है, बुड्ढे में भी थोड़ी बहुत बाकी जवानी है। देखिए किस तरह फिसलन भरी सीढ़ियों पर भागते हुए उतर रहा है। एक दिल में उम्मीद जाग गई कि एक बार फिसल के गिर जाए तो देखने भी मजा आ जाए, पैसे भी वसूल हो जाए। लेकिन बुड्ढे का स्ट्रांग था लक मायूस हो गया अनुल हक। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैंने सामने की तरफ और अपने राइट साइड की तरफ देखा कि एक चबूतरा भी और खाचा भी है। तो ये क्यों है इसका गेस मैं नहीं लगा पाया। ये सामने है मेरे एग्जिट पॉइंट और इस पर जो दरवाजा लगाया गया है बिल्कुल नया लग रहा है, रिसेंटली लगाया गया है। अब इस एग्जिट पॉइंट को पार करते हुए मैं सोच रहा था कि कुछ अच्छे नज़ारे गांव के देखने मिलेंगे, लेकिन जैसे मैंने अपनी नज़र घुमाई सामने बदसूरत रेनकोट वाला नज़ारा खड़ा था। अब मैंने सोचा कि कुछ चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जो होता है ना, जो चीज़ को आप इग्नोर करते हो वो खुद आपके सामने आके खड़ी हो जाती है। तो मेरे साथ में भी कुछ वैसा ही हुआ, और हर बुरी चीज़ आपको अपनी तरफ बुलाती है तो इसने भी मुझे अपनी तरफ बुलाया। तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था तो मैं इसके पीछे पीछे चल पड़ा। अब मैं ये सोच रहा था कि इस पहाड़ी से मैं नीचे कैसा उतरूं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था तो हम सीधा सीधा चल रहे थे। इस सबक से मैंने ये सीखा कि
कभी कभी आपके सामने बदसूरत नज़ारे होते हैं लेकिन आपको आपका फोकस शिफ्ट करके अच्छे नज़ारे देखने होते हैं। तो ये मैंने अपना फोकस किया फोर्ट की तरफ और उसके बाद मैंने अपना फोकस शिफ्ट किया अच्छी हरियाली की तरफ। तो आप भी मेरी तरह बनिए, अच्छी अच्छी चीज़ों पर ध्यान दीजिए और सामने जो बदसूरत नज़ारे हैं उनको इग्नोर करिए। चारों तरफ बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। ए बड़े हट, खूबसूरत नज़ारे दिखा रहा, बदसूरत आदमी कहाँ दिख रहा सामने। चारों तरफ चलो, पूरा जो है पहाड़ पे कोहरा छा हुआ है, बादल एकदम छा चुके हैं सामने के। सिर्फ आधा घंटा है मेन रोड के लगने तक, आधा घंटा हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा व्लॉग जो कि तुम्हारे भाई ने एडिट और डायरेक्ट किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करो और दोस्तों के साथ यहाँ जाने का प्लान बना रहे हो तो वीडियो को उनके साथ शेयर करो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि वीडियो में तुमको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। तो मिलते हैं तुमसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो मस्त रहो, मेरा वीडियो देखते रहो। चलो बाय बाय।